फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सप्लीमेंट्री हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, लेसन 5, सूद बीज आर्ट विद मम्मी। सबसे पहले एट फर्स्ट हम देखेंगे लेसन का जो टाइटल दिया गया है, बीज आर्ट मींस क्या होता है। बीज आर्ट मींस होता है एक प्रकार का जो विचक्राफ्ट करते हैं, जादू टोना करते हैं या मैजिक ट्रिक्स बताते हैं। जनरली हम वो बोल सकते हैं मैजिशियन, ठीक है, या हम इसको जंगलर भी बोलते हैं। तो जो मैजिक ट्रिक करता है दैट इज कॉल्ड मैजिशियन, जंगलर या तो विजार्ड कहा जाता है। इस लेसन को लिखा गया है एक अमेरिकन राइटर थे जॉन टाइट। ही वाज एन अमेरिकन राइटर, एक राइटर के रूप में थे, नॉवलिस्ट भी थे, है ना, नॉवलिस्ट भी थे, 60 स्टोरी राइटर भी थे, हाँ, छोटी छोटी कहानियां लिखना, इस तरीके से वो कहानियां लिखते थे। उन्होंने इसी कहानी में लिखा है, हमें एक कहानी में कैरेक्टर्स ने देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट हम देखेंगे कि जैक नाम का जो कैरेक्टर है, ही वाज अ फादर, एक पिता है, ठीक, और उसकी बेटी है जोएन, जिसको हम देखते हैं कि लेसन में कभी कभी उसको जो के नाम से स्टार्टेड कर दिया गया, इसका नाम स्टार्टेड छोटा कर दिया गया, तो अक्सर जो के नाम से मिलता है, द डॉटर ऑफ जैक, है ना, जोएन कोई जादू सुपार के जो द डॉटर ऑफ जैक, हु वाज एटलीस्ट 4 इयर्स ओल्ड, जो कि 4 साल की इस समय एट प्रेजेंट। और जो जो की बात है दवाई जैक क्लियर, हाँ, द मदर, और सी इज प्रेग्नेंट 6 मंथ्स, 6 महीने की प्रेग्नेंट है वो, 6 मंथ। तो इस तरीके से गिर करें जब हम क्या देखते हैं ऐसे में कि चूँकि अब 6 महीने की प्रेग्नेंट है, सी वाज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, हाँ, तो इस तरीके से सारा काम जो जैक को ही करना पड़ता था मोस्टली, ठीक। और जैक का एक बेटा था जिसका ब्रदर नेम्ड बॉबी, बॉबी नाम का बेटा है। तो इस तरीके से जो एंड बॉबी वर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, इस कहानी में कहानी हम देखते क्या है, यहाँ चूंकि विजार्ड के बारे में कहानी है, जादूगर के बारे में कहानी है, तो जो जैक था द फादर ऑफ जो, वो हमेशा जब डॉटर जो जो थी जब वो 2 साल की थी, 2 इयर्स ओल्ड, टू इयर्स जब वो 2 साल की थी तब से वो कहानी हुई कि किसके बारे में सुनाना था, रोजर के बारे में, रोजर के नाम का कैरेक्टर है ना, तो उसके बारे में वो कहानी सुनाता है। तो जो रोजर नाम थे वो कभी कुछ बन जाता था, कभी बिल्ली बन गया, कभी कुत्ता बन गया, हाँ, इस तरीके से उसके बारे में कहानियाँ सुनाता था। और फिर होता क्या था, ना कि तक पैसे तक टाइम जब रोजर को जब कोई समस्या होती थी, हाँ, तो क्या करता था, आउल के पास जाता था, एक बहुत ही ओल्ड भी था और इंटेलिजेंट था, हाँ, उसके पास जाता था और जाने के बाद बताता था अपनी समस्या के बारे में। तो जो आउल था उसको किसके पास रहता था, भेज देता था बिजार के पास, कि तुम जाओ जो बिजार जो रहता है वहाँ पे, कहाँ रहता है, और जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर है, उसी में उसका जो छोटे कद का उसके पास एक स्टिक होता था मैजिक करने के लिए और एक लंबी टोपी लगाता था, है ना, तुम उसके पास जाओ तुम्हारी समस्या हल करेगा। तो जब कभी भी जाता था रोजर तो वो हमेशा उसके पास पहुँचता था, उनके पास आओ और भेज देता था बिजार के पास, तो उसकी समस्या हल करता था। और जब जाता था इस तरीके से हल कर दिया समस्या, तो पैसे मांगता था, तो पैसे उसके पास नहीं होते थे, है ना, रोजर के पास, तो रोजर के पास पैसे नहीं होता था, तो करने मुझे पैसे तो चाहिए, तो वो करने मेरे पास पैसे नहीं है, तो करने जाओ इस रास्ते से पकड़ करके, तेरी जमीन एक कुआं है, तेरी जमीन एक कुआं है, तुम उस कुएं के जितने चक्कर लगाओगे उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है, जितने सर्कल तुम घूमोगे उतने पैसे तुमको मिलेंगे, और पैसे लेकर मुझे दे देना। तो ठीक है, इस तरीके से रोजर जाता है, चक्कर लगाता है, जो पैसे उसको मिलते हैं वो ले जाकर के बिजार को देता है और खुश होकर के चला जाता है। इस तरीके से कई कहानियां जो है कि जैक अपनी बेटी को जो 2 साल की थी तब से लेकर 4 साल की थी तब तक की कहानियां सुनाता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो
पत्नी थी और घर में कालमारी रखी थी उसको पेंटिंग करती हैं, और जो जो है जिसको हम देखते हैं कि जो इनके नाम से भी जाना जाता है और आती है और डिस्टर्ब करती है, तो जो प्लेयर है तो मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और इसे जो कुछ सुला देना चाहिए, नहीं तो हमें बार बार डिस्टर्ब करेगी। मैं कह रहा नहीं मैं तुमको छू कर नहीं जा सकता। यहाँ पे जय कहता है अपने पति से कि तुम 6 महीने की प्रेगनेंट हो एंड यू हैव टू बी केयर, है ना, तुम्हारी देखभाल मुझे करनी है। कह नहीं तुम जाओ बोले उसको सुला कर आओ। तो सोते समय वही होता था सारी चीजें। हम देखते हैं कि जब भी जो सोने जाती थी वह हर रोज अपने पिता से कहानी सुनती थी। इट वॉज हर डेली रूटीन, है ना, डेली का काम था। तो इस तरीके से जय क्या करता है कि रोजे की रोजर के बारे में कहानी सुनाना शुरू करता है। और रोजर इसमें क्या है, मैंने बताया कि रोजर कभी बिल्ली बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। अब इसमें जो रोजर बना हुआ है वो बना हुआ इस्कन। व्हाट इज इस्कन? इस्कन को हम क्या देखते हैं, इस्कन एक प्रकार का एनिमल होता है ब्लैक कलर। तुम्हारी जो खुशबू थी वही ठीक है, तुम्हारे
पढ़ेंगे। किसने किया तो बताती है यहाँ पे, जब बताता है निजात के बारे में, तो उसकी माँ क्या करती, छड़ी लेती है, एक छड़ी लेकर के जाती थी, मैं जाऊँगी और उस जादूगर को इस छड़ी से मारूंगी और इसकी खुशबू को रिटर्न करने के लिए कहूँगी जो बेड इसमें लगता है। ठीक, इस तरीके से लेकर के पहाड़ी के पास जाती है और वहाँ पर उसको छड़ी मारती है और कहती है उसकी खुशबू को चेंज करूँ। तो जो विजाट था कहता है ठीक है मैं ऐसा करूँगा। और इस तरीके से क्या होता है, विजाट उसकी बेड स्मेल को फिर रिटर्न कर देता है और इंतजन में क्या होता है उसकी खुशबू उसी व्यक्ति से हो जाती है। अब कहानी का जो टाइटल दिया गया है सूर्य विजाट के दमों में, पहले कौन करता है, मानी हिट करती है विजाट को, है ना, और उसकी खुशबू रिटर्न कर देती है बेड स्मेल में। तो राइटर हमें पूछता है हम लोगों से, हम सभी से, कि क्या हम अब विजाट को भी हिट करना चाहिए मम्मी को, क्योंकि क्या किया उसने तो रोज स्मेल दे दिया, रोजर को जो वजह स्मेल जो स्मेल बना हुआ था और उसके जो शरीर से बेड स्मेल आ रहा है उनका जब हर मदर उसकी माँ की वजह से जैसा वो कहना चाहते हैं, क्या इसके लिए विजाट को मारना चाहिए कमी को, राइटर सवाल करता है। तो आप देखिए जैसे कि मॉरल टीचिंग्स मिलता है कि एवरी पेरेंट्स डू बेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, है ना, हर माता पिता अपने बच्चे की भलाई के लिए उसकी अच्छाई के लिए बेटर करने का प्रयास करते हैं। अगर उसकी माँ ने उसके लिए बैड इसमें के लिए प्रपोज किया है तो कहेंगे उसकी वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, और हमेशा माता पिता अपने बच्चों की अच्छाई के लिए उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं। किस तरीके से जो विचार है कि सुनना मम्मी मम्मी बेटर नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द लेसन, पूरा समरी आपका समराइज मैंने कर दिया, इससे रिलेटेड जो भी सारा सारा क्वेश्चन है उसको मैं टोटली सेटअप करूंगा और एक ग्राइडिंग। ओके, थैंक यू।